वेलकम टू जुनूस किचन। आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? प्रॉन ग्रेवी। प्रॉन तो सबको अच्छा लगता है, ये स्टाइल से बना के देखिए। ये थोड़ा अलग टाइप्स का मेरा अपना स्टाइल है। मैंने बहुत सारे टाइप्स का बना के देखा है, बट ये जो स्टाइल है, मेरा स्टाइल जो वो बहुत ही हटके है। सबसे पहले दिखाती हूँ प्रॉन को कैसे क्लीन करते हैं। ये 1 किलो प्रॉन है मेरा। प्रॉन का हेड पार्ट को ऐसे पकड़ के पहले हेड पार्ट निकाल देना है, उसके बाद फ्रंट साइड से थोड़ा सा हम लोग ओपन करके जो ओपन पार्ट है उसमें पकड़ के पीछे टेल की तरफ ऐसे खींच लेने से उसको बाहर आ जाएगा वो। और एक दिखाती हूँ मैं, हेड पार्ट को पकड़ के ऐसा ऐसा पहले खींच लेना है, पहले हेड पार्ट निकाल के फेंक देना है, उसके बाद फ्रंट साइड थोड़ा सा ओपन करके जो ओपन पार्ट है उसमें हम लोग पकड़ के पीछे टेल की तरफ ऐसा खींच लेना है, तो ये निकल के आ जाएगा। अब इसमें एक फ्रंट पार्ट जो जो मैंने स्किन निकाला था उधर एक ब्लैक कलर का एक वेन होता है, देखिए उसको मैं ऐसे ही निकाल दूंगी। कोई कोई बोलते हैं ये गैस प्रॉब्लम देता है, बोलते हैं इसका साइंटिफिक रीज़न मुझे पता नहीं है, बट मेरे घर में मैं ऐसे ही निकल देती हूँ इसका वेन जो है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से सॉल्ट से रगड़ के फिर उसके बाद पानी से वॉश कर दूंगी 2-3 बार। सॉल्ट डालने से क्या होता है, बहुत ही क्लीन वाइट कलर का प्रॉन हो जाता है, और इसमें जो ब्लैक कलर का होता है एक डस्ट जैसा, वो भी पूरा निकल के चला जाता है। अब देखिए मेरा प्रॉन कितना क्लीन हो चुका है, वाइट कलर का हो चुका है। अब इसमें मैं क्या क्या डालूंगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने, 1 बड़ा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून जीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून है, और मेरा मिक्स मसाला जो है वो सब मसाला मिला के ग्राइंड कर लेती हूँ ऐसा एक मसाला है वो 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, और ये धनिया जो है वो 1 टीस्पून है। और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें, और ये एक बड़ा ऑनियन है, 1 लार्ज ऑनियन, इसको छोटा छोटा पीस कर दिया। ग्रेवी अगर ज़्यादा चाहिए तो आप लोग 2 ऑनियन ले सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये करी पत्ता मैंने थोड़ा सा लिया है, मैं हर चीज़ में करी पत्ता डालती हूँ, वो बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। और मैं थोड़ा सा छोटा सा एक टुकड़ा लेमन का लिया है, वो उसका जूस में वो प्रॉन में डाल दूंगी। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी, ऑनियन को अभी मैं नहीं डालूंगी, ऑनियन और करी पत्ता छोड़ के बाकी सारे मसाले इसमें डाल के थोड़ा सा पानी में डालूंगी। पानी डालने से क्या होता है, इवनली सारा मसाला इसमें प्रॉन में मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, क्योंकि प्रॉन में से भी पानी निकल के आता है। इसमें सिर्फ मसाला मिक्स होने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब मैं सॉल्ट डाल के अच्छी तरह से मसाला को मिक्स कर देती हूँ। मैं मसाला को अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद इसको मैं मैरिनेट करके करने के लिए छोड़ दूंगी। मेरा लेमन पीस को इधर ही मैं निचोड़ के ढाल दूंगी। अब मिक्स होके ऐसा हुआ है मेरा, मैं इसको ढक के 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी उसको। अब मैंने गैस में एक पैन रख दिया है, फुल फ्लेम में रखा है मैंने, गर्म हो गया है पैन। इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तब मैं इसमें मेरा मैरिनेट किया हुआ प्रॉन को ढाल दूंगी, जो 1 घंटा से मैंने मैरिनेट किया है। प्रॉन को ढाल के अच्छी तरह से प्रॉन को फैला के देना है, स्प्रेड करके देना है। प्रॉन बहुत ही ज़्यादा पानी छोड़ता है, इसलिए मैं गैस को फुल फ्लेम रखा है। इसको मैं अभी ऐसा लीड लगा के कवर करके 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट्स तक इसमें पानी ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी मैं। 10 मिनट्स के बाद देख रही हूँ कितना ज़्यादा पानी निकला है। अब इसको मैं सिर्फ थोड़ा सा चम्मच चला के ऐसे वापस में कवर करके और भी 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। अब मेरा लगभग 10 मिनट्स हो चुके हैं, इसको ओपन करके देख रही हूँ मैं। साइड में से देखिए कितना अच्छी तरह से ऑयल आया है, मतलब ये पक गया है और ड्राई भी हो गया है। आप लोग इससे पहले भी एक बार ओपन करके देखिएगा, अगर पानी इस स्टेज में है तो इसको स्लो कर देना। अब देखिए ऐसा ही ड्राई हो गया है, सारा पानी ड्राई हो चुका है।
ऐसा ही चाहिए मुझे। अब मैं क्या करूंगी इसमें, इस स्टेज में मैं जो ऑनियन जो कट करके रखा था, मेरा जो वन लार्ज ऑनियन है और करी पत्ता है, वो इधर ही मैं ढाल दूंगी। गैस का मेरा फ्लेम स्लो है। ऑनियन जो है वो, अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी चाहिए आप लोगों को तो 2 लार्ज साइज़ का ऑनियन डाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, बहुत ही स्वीट टाइप्स का ये डिश हो जाएगा, ये प्रॉन। वो मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही ऑनियन डाला है, 1 लार्ज साइज ऑनियन। ऑनियन डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो ही रखना है फ्लेम को, और मैं वापस इसको क्या करूँगी, कवर करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। इस स्टेज में अभी केयरफुली करना है क्योंकि जल भी सकता है, तो स्लो फ्लेम में थोड़ी देर बाद बाद मुझे चेक करना पड़ेगा, और मैं ऐसे ही चम्मच चलाते रहूंगी। इसको मैं कवर करके रख रही हूँ और भी 2 मिनट्स के लिए। अब मेरा प्रॉन ग्रेवी तैयार है। इस स्टेज में मैं डिश आउट कर दूंगी, और ज़्यादा ड्राई नहीं करना है मुझे। साइड में से जब भी थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखाई देता है, मतलब ये अच्छी तरह से बन के रेडी है। इस स्टेज में मैं डिश आउट कर दूंगी। प्रॉन को मैंने डिश आउट किया है, देख लीजिए ऐसा ही होगा। ये है मेरा प्रॉन ग्रेवी, एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। बाय बाय।